वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे आई एम शेयरिंग माई ग्रोसरी हॉल विथ यू गाइज। सो पहले भी मैंने एक दो बार ग्रोसरी शेयर की है अपने व्लॉग्स में, तो कुछ लोगों का कमेंट आया था, ज्यादा नहीं, दो तीन लोगों का ही कमेंट आया था कि मैं अपने नेक्स्ट मंथ का ग्रोसरी भी आपके साथ शेयर करूं। सो टुडे आई एम शेयरिंग। एंड एवरी मंथ तो हम नहीं लेते हैं ग्रोसरी, एक मंथ लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ जो चीजें कम पड़ जाती है वही लेते हैं। सो आज ग्रोसरी आई हुई है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है, वेल सैनिटाइज कर दिया है, अच्छे से धो के रखा है मैंने सूखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें डाइनिंग टेबल पे हैं, तो चलिए एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये हारमोनी ई फ्रेश प्रीमियम चक्की आटा है, जो कि हम 10 kg का ले आते हैं, ये हमारा 1.5 महीना चलता है। नेक्स्ट ये पतंजलि का हम सरसों तेल यूज़ करते हैं, या फिर फॉर्च्यून का, तो ये 2 बोतल हमारा 1 महीना चल जाता है। नेक्स्ट है ये टाटा टी का गोल्ड, ये छोटा वाला जो है ये हम सेपरेट रखते हैं, क्योंकि उपवास के दिन हम जब चाय पीते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, जनरली हम ज़्यादा चाय बाकी दिनों में नहीं पीते हैं। देन ये है 1 लीटर का सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसलिए 1 लीटर चल जाता है। देन ये कुछ स्क्रॉच बाइट्स हैं, एंड ऊपर कुछ स्नैक्स हैं लाइक ये न्यूट्रिशियस का के चिक्कीज़ है, टोस्ट है, तो ब्रिटानिया टोस्ट हमारे घर पे हमेशा आता है चाय के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। एंड ये हल्दीराम का सोया चिप्स और हल्दीराम का खट्टा मीठा नमकीन। देन ये ब्रिटानिया का बिस्किट है 50-50, और सॉल्ट हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं, तो ये टाटा सॉल्ट रॉक सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। देन गुड्डे का एक डब्बा है बटर कुकीज़, और ये है मिक्स्ड वेजिटेबल अचार। तो इस बार हमने बड़ी बॉटल ली है, पहले हम छोटी छोटी 2 फ्लेवर लेते थे, बट हमने बड़ी ली है क्योंकि इसमें पैसे की बचत हो जाती है। नेक्स्ट है मूंगफली, एंड यहाँ पे सारे ग्रेन्स हैं लाइक छोले, चने एंड दाल, ये चने की दाल है, देन मसूर की दाल। तो जैसे स्पेंसर्स वगैरह होता है वैसे यहाँ पे सामने में, हमारे घर के सामने में एक जीके लाक्स है, तो वहाँ से हम लोग लेके आए हैं इस बार ग्रॉसरी। देन मैंने इस बार ये कस्टर्ड पाउडर मंगवाया है, क्योंकि घर पे कुछ मीठा खाने का मन करता है ना, तो इंस्टेंट बन जाता है। देन ये है न्यूट्रेला, तो एक सोया चंक्स है, एक सोया मिनी चंक्स है, एंड ये है कैस्यूज। बाकी ड्राई फ्रूट्स अभी भी रखे हैं, बस कैस्यूज ख़त्म हो गए थे तो इस बार वही मंगाया है। देन एक छोटा सा बिस्किट, ये है लौंग और ज़ीरा, एंड देन ये है तेज पत्ता। तो कुछ चीज़ें मैंने इस बार लोकल स्टोर से भी मंगाई है, जैसे ये जीके लाक्स एक मॉल है लाइक स्पेंसर डीमार्ट होता है वैसा, एंड कुछ जो लोकल शॉप्स होते हैं उससे भी मंगवाया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। देन है ये हारमोनी फ्रेश का प्रीमियम सूजी, जिस ब्रांड का हम आटा लेते हैं उसी ब्रांड का सूजी भी लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, और सूजी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कंजप्शन है सूजी का। एंड ये थोड़ा सा फट गया था तो ये निकल गया है, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि अभी मैंने इसे धोया भी था। एंड ये है फ्रोजन कॉर्न, स्वीट कॉर्न, तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक हो जाता है इवनिंग में, या फिर कुछ भी आप बनाओ तो उसमें थोड़ा सा डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देन ये एक कर्ड पैकेट आया हुआ है, और 2 लस्सी आई हुई है, तो विशाखा डेयरी का जो क्वालिटी है ना मिल्क का, वो बहुत ही अच्छा होता है। ये ग्रॉसरी आइटम नहीं है बट आज आया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड बटर मिल्क इज़ बहुत अच्छा इन समर। एंड यहाँ पे ये देखिए मैंगोज भी रखे हैं, समर है तो मैंगो तो आना ही आना है। एंड इसे मैं अभी भिगो के रख दूँगी ताकि पिंपल ना आए खाने के बाद। तो ये सारी ग्रॉसरी यहाँ पे रखी है सैनिटाइज करके, कुछ ग्रॉसरी गैस के उस पार रखी है, तो चलिए दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है टैंग, रितविन के लिए कभी कभी हम उसे देते हैं क्योंकि वो उसे जूसेस बहुत पसंद है, बाहर के जूस, घर के जूस नहीं, सो इस तरीके से थोड़ा बहुत उसका मन लग जाता है कभी कभी पीने का मन करता है तो। एंड कुछ चीज़ें अमेज़न प्राइम से मंगवाई थी हमने 1500 की, क्योंकि उसमें ऑफ़र रहता है, तो टाटा संपन्न का हल्दी, धनिया पाउडर, और ये अमृत का ब्राउन शुगर, तो हम वाइट शुगर के जगह पे ये ब्राउन शुगर ही यूज़ करते हैं, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी आप उस ब्राउन शुगर से अपने चीनी को रिप्लेस करें। और ये दाल है, एंड अगेन एक चने की दाल के पैकेट है, क्योंकि लोकल शॉप से प्रिंस दोबारा ले आए थे भूल के, एंड ऊपर एक बूंदी रखा था। नेक्स्ट ये एक टाइप का दाल ही है, इसे हम लोग कुर्थी बोलते हैं, बट आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, बट बहुत हेल्दी होता है, तो इसका प्लास्टिक फट गया था तो मैंने इसे डब्बे में डाल दिया है। देन मैंने लिया है एक डार्क चॉकलेट, सो खाने के बाद मुझे ये थोड़ा सा खाना बहुत ही अच्छा लगता है, एंड डार्क चॉकलेट इज़ क्वाइट हेल्दी, अगर आप थोड़ा सा खाओगे तो अच्छा रहता है नॉर्मल चॉकलेट्स की अपेक्षा। सो ये मैंने एक छोटा वाला पैकेट लिया है।
एंड ये हमारी ग्रॉसरी। उसके बाद ये है पिज़्ज़ा ब्रेड। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर की कुछ चीज़ें चटपटी खाने की मन करती है तो घर पे बना लेते हैं पिज़्ज़ा वगैरह। और ये अगेन दाल है, मसूर की दाल छिलके वाली है ये, इसका मैं तड़का बनाती हूँ। और ये है सत्तू। तो ये सब लोकल शॉप से हम लोग लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सत्तू वगैरह नहीं मिलता है। एंड देन ये है बेसन और ये है मैक्रोनी। ये सूजी का बना हुआ है तो हेल्दी रहता है, इसमें आप बेजीज वगैरह डाल के बना सकते हैं। तो सूजी का मैक्रोनी हेल्दी रहता है। तो अगेन यहाँ पे मैंने लिया है ये, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, बट ये देखिए इसकी हालत, ये ऊपर का डब्बा पूरा मतलब फटा हुआ था। एंड ये हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं डाबर का वेद शक्ति ग्रीन टी। बाहर का जैसा भी हो बट अंदर यहाँ इसके सैजेट से इंटैक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ ही था। तो ये ग्रीन टी विथ हर्ब्स है, अभी के लिए बहुत ही अच्छा है, काढ़ा जैसा लगता है। इसमें सौंठ है, तुलसी है, मुनक्का है मतलब किशमिश, दालचीनी और काली मिर्च। एंड एक मैंने ऑलरेडी ट्राई भी कर लिया है तो ये डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। देन यहाँ पे है टॉयलेट्रीज और ये है क्लोजअप का पैक ऑफ टू वाला, तो इसमें भी काफ़ी बचत हो जाती है। देन ये है एरियल। तो ये मैं ना अच्छे वाले जो कपड़े होते हैं उन्हें धोने के लिए यूज़ करती हूँ। वैसे हम टाइड यूज़ करते हैं, 7 kg का लास्ट टाइम मैंने मंगाया था तो अभी वो 3-4 महीना चल जाएगा, इसलिए इस बार सर्फ नहीं मंगाया है। देन ये लैक्टोकैलामाइन का एक लोशन है जो कि हस्बैंड यूज़ करते हैं। और ये जॉनसन बेबी का सोप है जो कि पैक ऑफ 4 मैंने मंगाया था, तो डब्बा मैंने फेंक दिया है और बाकी मैंने वॉशरूम में रख दिए हैं। देन ये मूव है, एक सेवलॉन स्प्रे है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नाउडेज। एंड ये किचन क्लीनर है, ये बहुत ही अच्छा होता है, मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। देन ये एक हैंड वॉश का रीफिल है और ये कॉलिन का रीफिल है। तो हम रीफिल ही लेते हैं, पैसों की बचत हो जाती है क्योंकि डब्बा तो ख़राब होता नहीं है। तो एंड लास्ट में ये एक ब्रश है। तो ये हमारा जून मंथ का ग्रॉसरी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल्सो आप जो भी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सुपर सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।